बात भोपाल की, जहां भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा के अभतपुरी में दो दिन पहले बने सड़क को लेकर जहां रहवासियों में आक्रोश है, तो वहीं गोविंदपुरा विधानसभा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी परमार ने स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हाल ही में बनी सड़क की परतें उखड़ रही हैं और सरकार और स्थानीय विधायक पर निशाना भी साधा जा रहा है। विधानसभा सीट में अभी हाल ही में सड़क बनी है जिसका मुआयना करने यहां पर चक्का जाम किया था रहवासियों ने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे सज्जन सिंह परमार जी, आप देख सकते हैं कि वो सड़क को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये सड़क क्यों उखाड़ रहे हैं आप? सर, उखाड़ नहीं रहा हूं सर, ये विकास दिखा रहा हूं मैं। भाजपा का 50 साल का विकास दिखा रहा हूँ। आनंद फानंद में जो विकास करा जा रहा है, ये विकास ही आपके सामने आप देख सकते हैं। इन्हें शर्म आने चाहिए, ये गुणवत्ता है। इनके इंजीनियर घूसखोर और प्रशासन घूसखोर। ये देखिए आप, ये सड़क कितने दिन चलेगी? जब आज ये हाथ से उखड़ रही है तो चलेगी? मैं जनता से पूछना चाह रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए निकल गई, ये देखिए सूखे उसके ऊपर इन्हें किस तरह से ये सड़क बनाई है। ये जनता के पैसे की बर्बादी है, जनता के वोट के साथ छलावा है। 50 साल से जिस प्रकार से गोविंदपुरा की जनता ठगिया महसूस कर रही है, इस बार जनता ने मन बना लिया है। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि इनको सबक सिखाओ, इस बार सबक सिखा दीजिए। ये भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए। ये आपके सामने है, देख लीजिए इनका विकास। जनता क्यों रोड पे नहीं बैठेगी? और दूसरी तरफ इनका एक और विकास देख लीजिए। ये देखिए आप, मौत का सीधा तांडव, मौत का सीधा तांडव आप ये खंबे देख सकते हैं। बीच रोड पे कम से कम 2000 खंबे लड़े जहां आए दिन गड़े हुए हैं, जहां आए दिन अभी तक शिफ्ट नहीं कर रही, सो रही है प्रशासन और सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को चेताना चाहूंगा कि यदि ये सब घटिया काम को यदि जांच नहीं कराई तो इसको लिए हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और ऊपर तक जहां तक भी जाना पड़ेगा शिकायत लेके जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द जाग जाए, नींद से जाग जाए, अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे। और यहाँ के विधायक यदि आए तो जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये निर्माण जरूर दिखाएं। और ये 50% कमीशन की बात होती थी, ये 90% कमीशन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल जी की नीतियों और रीतियों को लेकर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, इस बार बदलाव होगा और हमारे गोविंदपुरा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। जय हिंद। मन बना लिया, आप देख सकते हैं कि ये रोड है अभी दो दिन पहले की बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है सज्जन सिंह परमार, उन्होंने ये रोड आप देख सकते हैं कच्ची मिट्टी पर ये डामर डाल दिया गया, गिट्टी डाल दी गई और इसको लेकर आज यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन पर बैठे थे, वहां पर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने अरे इसको लेकर जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अभतपुरी में बदहाल सड़कों और दुर्घटनाओं से परेशान लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया और अपना विरोध जताया। उन्होंने स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। प्रदेश में चुनाव से पहले लोग अब जो है नेताओं के खिलाफ आने लगे हैं, प्रत्याशियों के खिलाफ आने लगे हैं। आप देख सकते हैं गोविंदपुरा में ये जो सड़क निर्माण होना था और उसके बाद ये खंबे हटने थे दूर तक, वो नहीं हटाने के कारण लोग यहाँ के परेशान हो रहे हैं। ये अवधपुरी का क्षेत्र है जहाँ पर करीब 22 कॉलोनियों के लोग और जो सेवा बस्तियां हैं वहाँ के लोग आके यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क है वो उसको हटाया जाए यहाँ से और जो इस पे खंबे लगे उनको हटाया जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है और लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। चक्का जाम लगाया गया है यहां पर लोगों द्वारा, रहवासियों द्वारा लगातार मांग कर रहे थे इसको लेकर कि किस तरह से यहां पर ये जो खंबे हैं ये रोड पे बनाए। सर, क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारे अमन शर्मा जी जो यहाँ के निवासी है, समाज सेविक है, ये यहीं के निवासी है, यहाँ के भली पुर्दी समस्याओं को जानते हैं। मांगे इनकी ये है कि ये जो गुणवत्ताहीन जो काम किया जा रहा है, आप सड़क को भी देखिए, आप कैमरा घुमाइए, जगह जगह सड़कें खुद रही हैं। बताया जा रहा है कि ये दो दिन पहले ही सड़क डली है। जी जी, तो दो दिन पहले डली है, क्यों डली है? इसके पहले भी तो डल सकती थी, अभी क्यों डल रही है? मनीष जी, क्या क्या कारण है कि आप लोग बैठ रहे हैं? सर, अभी इस रोड का अभी जल्दबाजी में बहुत घटिया क्वालिटी में डामर डाल दी गई, उसके कारण खंभे बीच में आ गए हैं। हम लोग 20 दिन से परेशान हैं
सबके हाथ पर जोड़ रहे हैं जिम्मेदार लोगों के, विधायक जी से लेकर नगर निगम, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे सगे भाई टकरा चुके हैं, मेरे बहुत सारे लोग टकरा रहे हैं, लोगों को बहुत गंभीर चोटें आ रही हैं, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। हमें कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति शासन से प्रशासन से लिख के दे दे कि ये खंभे कब और कैसे, लिख के दे दे, हम मानने को तैयार हैं। भाई साहब सड़क भी दो दिन पहले डली, ये बता रहे हैं। हाँ, बहुत ये जल्दबाजी में डाल दी। मोरम के ऊपर कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, 90% मटेरियल इसका। विधायक के प्रति भी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है, लगातार यहाँ के रहवासी इस चीज की मांग कर रहे थे कि ये सड़क जो है बनाई जाए। अभी दो दिन पहले ही सड़क का निर्माण हुआ है, वही जो खंभे है यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट भी होते रहे हैं इस क्षेत्र में, इस सड़क पर। इसको लेकर भी कोई शुद्ध प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से नहीं ली गई। स्थानीय विधायक को भी कई बार बताया गया, ऐसा कि कहा जा रहा है यहाँ पर धरने पर बैठे लोग, और इसी समस्या को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो चुनाव से पहले जो विरोध करते हुए लोग अब नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर इन लोगों में आक्रोश दिख रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।